यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सैफ न्यूज लाइव की खबर का हुआ असर। वसई पूर्व खेरपाड़ा वार्ड क्रमांक 72 में मनपा स्वच्छता विभाग ने उठाया बरसों से पड़ा कचरे का ढेर। वसई विरार मनपा के पेल्हार प्रभाग अंतर्गत खेरपाड़ा से स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ता परदेशी कर्माकर द्वारा सोशल मीडिया में पिछले सप्ताह वीडियो जारी किया गया था, जिसमें खेरपाड़ा की केटी इंडस्ट्रीज के सामने बने अघोषित डंपिंग ग्राउंड की हालत बताई गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता परदेशी कर्माकर के वीडियो का संज्ञान लेकर सेफ न्यूज लाइव ने उक्त स्थल पर पहुंचकर अपने चैनल के माध्यम से क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हुए मनपा स्वच्छता विभाग को आईना दिखाया था। मनपा में स्वच्छता बनी रहने के लिए मनपा द्वारा आवंटित किए जाने वाले करोड़ों रुपए के कहां इस्तेमाल करने का सवाल उठाया था, जिसके बाद मनपा सार्वजनिक आरोग्य एवं घन कचरा विभाग ने सेफ न्यूज लाइव की खबर का संज्ञान लेकर आज दिन में खेरपाड़ा के उक्त क्षेत्र पर साफ सफाई का एक ड्राइव लेते हुए तकरीबन एक काड़ी कचरा निकाला एवं उसे व्यवस्थित जगह डंप करने की व्यवस्था की। हालांकि अभी भी क्षेत्र में और कचरा है, जिसको आगे के दिनों में पूरी तरह से साफ किए जाने की उम्मीद सेफ न्यूज लाइव जाहिर करता है। मनपा स्वच्छता विभाग को उनके काम के लिए सेफ न्यूज लाइव धन्यवाद भी देता है और चैनल एक बार फिर यही उम्मीद जताता है कि मनपा द्वारा बाकी का कचरा भी जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा और इसके आगे स्थानिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ने देगा। सेफ न्यूज लाइव ने इस सबके मुख्य सूत्रधार सामाजिक कार्यकर्ता परदेशी कर्माकर से फोन के जरिए इस विषय पर प्रतिक्रिया ली, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे आगे वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। हेलो, हाँ बोलिए सर। नमस्कार सर, परदेशी सर बोल रहे हैं। मैं परदेशी कर्माकर सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहा हूँ, बोलिए। कर्माकर साहब, यूसुफ अली पत्रकार बात कर रहा हूँ। आपने आवाज उठाया था खेरपाड़ा का और वहाँ पे सफाई व्यवस्था कुछ नहीं थी, उसके लिए आपने आवाज उठाया था, सोशल मीडिया में वीडियो डाला था। आज मेरे पास वीडियो आया है कि वहाँ पर सफाई जो है वो शुरू हो गई, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो बताइए। हाँ जी, बहुत बहुत आपको मैं सबसे पहले तो यहाँ की हमारे खेरपाड़ा की तरफ से, यहाँ के नागरिक की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो आवाज उठाया था अपने मीडिया के माध्यम से, वो हमें सकर होते हुए दिख रहा है। और हम कई सालों से यहाँ परेशान थे, कचरा का यहाँ ढेर लगा हुआ था, जैसे कि लगता है कि कोई डंपिंग। माफ कीजिएगा सर, वो हमारा काम है, हमने किया, वो कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं किया। नहीं नहीं, लेकिन सर मैंने काटना चाहता हूँ, सॉरी सर, कैसा कि यहाँ बहुत सारे लोक प्रतिनिधि भी है, उन्हें मालूम है कि यहाँ का कचरा ढेर है, लोग किस तरह से परेशानी से झेल रहे थे, दुर्गंधी यहाँ चारों तरफ फैला हुआ था। मगर यहाँ के जो नगर सेवक है या लोक प्रतिनिधि है और महानगर पालिका जो अधिकारी है, उन्हें अधिकारी होने के बावजूद भी आंखें बंद करके उन्होंने ये सारे देखा है और सुना है के पास से कि यहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है। मगर अगर आपके चैनल के माध्यम से, सिर्फ जो चैनल है आपका न्यूज है, वो आपने शुरुआत तो किया था, बहुत अच्छा शुरुआत किया, और इसी के कारण, आपके कारण वो ये हमारे कचरा अब उठाने को लगा है, उठ रहा है। तो आशा करते हैं कि ये कचरा साफ हो जाए और दवा और कोई कचरा रखने की बंदोबस्त करे, ये हमें उनसे आशा है। और आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ, मेरे यहाँ के खेरपाड़ा के नागरिक की तरफ से, कि आप इसी तरह काम करते रहे, हम पब्लिक आपके साथ है। परदेशी जी, ये बताइए कि अभी कितने प्रतिशत काम हो गया और कितना प्रतिशत बाकी है, और उसके लिए आपको बाकी के महानगर पालिका हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने क्या कुछ आश्वासन दिया है? महानगर पालिका डिपार्टमेंट से यहाँ तो कोई नहीं आया है, मगर कचरा एक ही गाड़ी सुबह में निकाला है। कचरा बहुत ज्यादा गंदे भी थे, दुर्गंध बास रहा था, और जिसके कारण शायद उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा। मगर कचरा एक ही गाड़ी से यहाँ से निकाला है, और आगे क्या होते हैं, क्या कचरे की गाड़ी दोबारा आता है क्या, ये हमें नहीं मालूम है। मगर हम इंतजार करते हमारे लोग, हमारे यहाँ के नागरिक, कचरा सारे निकालेंगे और कचरा को रखने का कहाँ तो इसका बंदोबस्त तो करेंगे। ऐसा हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया परदेशी जी, और आपने जो आवाज उठाया जनता के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, आपको धन्यवाद देता हूँ। पहला सबसे पहले आप लोग, आपने आवाज उठाया था, क्योंकि यहाँ कई दिनों तक हम कचरे में ढेर में पड़े थे, यहाँ के जो जनता कचरे के ढेर में पड़े थे। सर, शुद्ध भाषा में कहना चाहता हूँ आपको, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि महानगर पालिका ने जो इस पे खबर पे संज्ञान लेके काम किया, तो महानगर पालिका का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, एक बार फिर से धन्यवाद।
लखनऊ। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।